हमारे जीवन में वास्तु शास्त्रों के नियम का पालन करना बहुत खास होता है। अगर वास्तुओं के नियमों का पालन करते हैं तो हम इसके विपरीत से बच सकते हैं। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक के अनुसार घर की हर दिशा वास्तु के अनुसार होती है। इन दिशाओं में क्या रखना शुभ और अशुभ होता है इसका जानना बेहद जरूरी है। इसी प्रकार घर में राहु केतु का राज भी होता है। इनसे बचने के लिए कौन से वास्तु टिप्स अपनाने चाहिए? ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को छाया ग्रह यानी अशुभ ग्रहों के रूप में देखा जाता है। यदि कुंडली में इनकी स्थिति खराब हो तो ऐसे में व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस दिशाओं में कुछ चीजों को रखने से हमें बचना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ज्योतिष आचार्य से। देखिए, ज्योतिष के अनुसार और यदि उसमें हम वास्तु को भी सम्मिलित करें तो ज्योतिष और वास्तु के अनुसार जो दक्षिण पश्चिम का कोण होता है, जिसको हम दूसरी भाषा में नैऋत्य कोण भी कहते हैं, यह दिशा राहु और केतु की होती है। राहु केतु के द्वारा प्रभावित होती है। राहु केतु क्योंकि छाया ग्रह कहलाते हैं और अक्सर ये अशुभ फल देने वाले होते हैं, जिससे समस्याओं का हमको अक्सर सामना करना पड़ता है। इसलिए हमको यह विचार करना चाहिए कि दक्षिण पश्चिम कोण में हमको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो दक्षिण पश्चिम का जो कोना है, यहाँ हमको धन रखने की अलमारी, तिजोरी या धन को नहीं रखना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो धन की हानि होती है, व्यापार व्यवसाय में हमको घाटा होता है। ईशान कोण जो है वह पूजा का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है, लेकिन यदि हम दक्षिण पश्चिम में पूजा का स्थान बनाते हैं तो जो भी हम भजन पूजन करते हैं उसका पूर्ण फल हमको प्राप्त नहीं होता है। यदि हम दक्षिण पश्चिम के कोने में बच्चों का स्टडी रूम बनाते हैं या बच्चों की पढ़ाई से संबंधित पुस्तकें वहां रखते हैं तो निश्चित ही बच्चों को विद्या बाधा होती है, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, पूर्ण रूप से उनको सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। और दक्षिण पश्चिम के इस कोने में हमको टॉयलेट, बाथरूम या सेप्टिक टैंक भी नहीं बनाना चाहिए। यदि हम इस प्रकार से इन चीज़ों को बनाते हैं तो निश्चित ही हमारे घर का कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई पारिवारिक सदस्य हमेशा रोगी रहेगा, बीमार रहेगा और बीमारियों से वह सामना करता रहेगा। इसके अतिरिक्त नैऋत्य पश्चिम का जो कोना है उसमें तुलसी के वृक्ष को भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी का वृक्ष पूर्व में रखिए, उत्तर में रखिए, ईशान में रखिए, लेकिन दक्षिण पश्चिम के कोने में नहीं रखें। यदि हम दक्षिण पश्चिम के कोने में तुलसी जी का वृक्ष भी रखते हैं तो जितनी सकारात्मक ऊर्जा जो हमको तुलसी जी के वृक्ष से प्राप्त होती है, उस राहु केतु के प्रभाव से, उस दिशा के दोष के कारण उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है। अतः हमको घर बनाते समय या घर में रहते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोकल 18 नर्मदापुरम से दुर्गेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ज्योतिष आचार्य के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये जानकारी है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।